ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुँच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग